प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेजबान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में हम एक बार फिर से बात करने वाले हैं महंगाई के मामलात के हवाले से। महंगाई की कहानी हर गुजरते दिन के साथ खतरनाक मोड़ लेती जा रही है और हमारे लोग परेशान हैं कि क्या खाएं, क्या पकाएं, किस तरह से अपना घर को मैनेज करें। अब बात करेंगे जी चिकन की कीमतों के हवाले से, जो कि हमारे लोगों को मुसलसल टफ टाइम दे रहा है। और सिर्फ एक रोज़ में ही देखें कि चिकन की कीमत तकरीबन 10 रुपये किलो तक बढ़ गई है। गुज़िश्ता रोज़ चिकन की कीमत 364 रुपये थी, जबकि आज 10 रुपये के इजाफे के साथ चिकन की कीमत 374 रुपये फ़ी किलो तक गोश्त जा पहुँचा है। और चीनी जो कि आम दुकानों पर दस्तयाब नहीं है, बहुत सारी ऐसी मार्केट में दुकानें हैं जहां पर चीनी दस्तयाब नहीं है, जबकि सस्ते रमज़ान बाज़ारों में शहरियों को चीनी के हसूल के लिए अभी भी लंबी कतारों में लगना पड़ता है। ओपन मार्केट की क्या सूरत हाल है, चिकन इतना महंगा क्यों होता जा रहा है, हमारे लोग क्या सोच रहे हैं और ख़ास तौर पर इस महंगाई के दौर में वो गुजारा कैसे कर रहे हैं, आज के प्रोग्राम में इन तमाम मामलों पर बात करेंगे। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, चिकन की बात हो रही है तो यहाँ पर कुछ लोग हैं जो कि चिकन ख़रीदने के लिए आए हैं, इन्हीं से हम बात करेंगे कि महंगाई की क्या सूरत हाल है और स्पेशली चिकन घर में कितनी बार बनता है, कितना महंगा हो गया है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ठीक है। अच्छा, चिकन ख़रीदने आई, मेहमान आएंगे या फिर घर की कोई ज़रूरत? नहीं, मेहमान आए। मेहमान आएंगे, मेहमानों के अलावा घर में चिकन आजकल बनाना सस्ता काम है, आसान काम है? नहीं, ये तो बहुत महंगा, गोश्त बहुत महंगा हो गया है। हाँ जी, पहले भी महंगा होता था इतना? नहीं, इतना ज़्यादा तो नहीं, अब तो बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है, रमज़ान में ज़्यादा महंगा हो गया। हाँ जी, गरीब कैसे खाए, गरीब के पास इतने पैसे नहीं होते जो इतना महंगा गोश्त खाए। हाँ जी, रमजान से पहले भी तो चिकन महंगा ही था। महंगे थे लेकिन रमजान में तो इनको कम करना चाहिए था ना, कि जाए वो गरीब भी खा सके। ये तो ना कि रमजान में गरीब बेचारा बस ऐसे देखते ही रह जाए। बाकी कौन कौन सी चीजें सस्ती हो गई? सस्ती तो कोई भी नहीं, सब महंगी हो गई हैं, सब महंगी हो गई हैं। इस टाइम तो गरीब बेचारा रो रहा है बस। आपने क्या क्या और खरीदा है? बस यही लिया हमने, तो अभी मेहमान आने और तो कुछ नहीं खरीदा हमने, उसके लिए गोश्त ही लिया बस। दालें हैं, मसाले हैं, कुकिंग ऑयल है? हाँ जी, अभी नहीं हमने वो तो खरीदा ही नहीं है हमने। हाँ जी, ठीक है जी। कुछ और यहाँ पर लोग हैं, इनसे भी हम बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। महंगाई की क्या सूरत हाल देखती हैं आप? महंगाई बहुत ज़्यादा है, बहुत कमर तोड़ी हुई है महंगाई ने, हम तो बहुत परेशान हैं महंगाई की वजह से। कैसे खवातीन मैनेज करती हैं घर को? बहुत मुश्किल है मैनेज करना, 5-5, 6-6 बच्चे, बच्चों के साथ मैनेज करना बहुत मुश्किल है। बच्चों की फरमाइशें पूरी होती हैं? बस बच्चों की फरमाइशें पूरी करेंगे, अपना घर चलाएंगे, यही समझ में नहीं आ रहा हमें। हम बहुत परेशान हैं महंगाई की वजह से, हुकूमत कुछ नहीं कर सकती और ना ही कर रही है, बहुत इसने ख़राब किया हुआ सब। गवर्नमेंट काम कर तो रही है, गवर्नमेंट काम कर तो रही है? नहीं कर रही, कुछ नहीं कर रही, महंगाई वहीं की वहीं खड़ी है, महंगाई नहीं कम हो रही। अच्छा, गवर्नमेंट क्या करेगा, नज़र आएगा कि काम हो रहा है? ये आपके सामने ही रमज़ान है, रमज़ान में तो चाहिए ना इनको थोड़ा सा करना चाहिए कि इंसान चलें। आपको पता है रमज़ान में अखराजात बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं, थोड़ी सी महंगाई कम होगी तो घर चलेंगे ना, कारोबार कुछ भी नहीं है और महंगाई इतनी है, ऊपर से लॉकडाउन की वजह से कोई सिलसिला ही नहीं चलता कारोबार का। आप जितना पहले खर्चा मिलता था, अब कुछ खर्चा बढ़ा, खवातीन को खर्चा ज़्यादा मिलता है अब? वो मर्द क्या करें, वो खर्चा कैसे मैनेज करें, जब उनका कारोबार ही नहीं सेट होगा तो वो कितना का खराजात घर में देंगे, जितना दे रहे उसमें भी मैनेज करना इतना मुश्किल है। अब हम यहाँ तो बच्चों के लिए ईद के कपड़े बनाएं या बच्चों को खिलाएं, यही सिलसिला है बस। ठीक है जी, कुछ और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। बेटा जी, क्या हाल है सर आपके? बस बेटा जी ठीक है। ये काफी, हाँ। ये बेटा पढ़ के बस दिमाग खराब हो रहा है, क्या करें, गरीब आदमी तो बिल्कुल रह के गया। इस गवर्नमेंट कोई इंतजाम नहीं कर रही है, माफिया जोरों शोर पे है, अभी चीनी लेने गए चीनी नहीं है, क्या करें बेटा, रोजे से बहुत परेशानी है बहुत। चीनी कहाँ से लेने गए? गली में से कह रहे 2 घंटे के बाद आए जी, चीनी देने को तैयारी कोई नहीं है। आम जनरल स्टोर से भी नहीं मिलती? नहीं, कहीं नहीं चीनी की, चीनी का तो ऐसा हो गया जैसे ना पैदा हो, अपने मुल्क का है, अपने मुल्क के वजीरों की है, कोई नहीं है, सब माफिया। हाँ, अच्छा महंगाई तो हमेशा हर दौर में होती रही। नहीं बेटा, इसमें कुछ ज़्यादा ही आ गई है इस दौर में। हाँ,
नवाज शरीफ का भी दौर भी देखा है, जिया का भी देखा है, ये दौर जो है ना बड़ा खतरनाक दौर आया है। अब महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है, कुछ काम काज बेहतर हुए हैं? नहीं जी नहीं, बिल्कुल ठप हो गया, बिल्कुल खत्म हो गई कहानी। ये बाकी दाने चीजें खरीदी हैं, इनकी क्या सूरत हाल है कीमतों की? बस टमाटर जरा 40 रुपए किलो टमाटर मिला है, प्याज 30 रुपए किलो है नॉर्मल है रेट, ये मुर्गी ये गोश्त वगैरह ये बहुत गरीब से पहुंच से दूर हो गया बेटा जी। जी जी नाज़रीन, आप ये बुजुर्ग है इनकी भी बात सुन रहे हैं, आगे कुछ और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, क्या हाल है सर आपके? शुक्र अल्लाह का। सर क्या सूरत हाल है महंगाई की? चिकन तो बहुत महंगा हो गया, बहुत ज्यादा महंगा हो गया, बहुत ज्यादा, 100 से भी ज्यादा महंगा हो गया। ऐसे मैनेज हो रहा है घर? जी घर कैसे चल रहा है? बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा है। कितना चिकन खरीदा आपने? बोनलेस लिया है 710 रुपए का, सिर्फ दो बोनलेस आए हैं, सिर्फ 700। ठीक है जी, कुछ और लोग हैं यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या हाल है? सर आप कैसे? मैं ठीक हूँ बेटा। एक दिन में कितने घंटे रक्षा चलाते हैं? मैं सुबह से लेके रात 8-10 बजे तक चलाता हूँ। बहुत मुश्किल से मुझे है ना खर्चे निकाल के कोई 400-500 या 800 रुपया बचता है, और उसमें इतनी महंगाई है कि ना हमारा घर चलता है, ना हमारा गाड़ी का चलता है, ना कुछ चलता है। अगर ये इमरान साहब हमारे मुल्क के लिए अगर अच्छा कर रहे हैं, कर्ज उतार रहे हैं, तो ये महंगाई हम बर्दाश्त कर रहे हैं। तो अगर वो नहीं कुछ कर रहे हैं तो खुदा के लिए वो छोड़ दे, हमें इतनी बर्दाश्त नहीं हो रही, इतनी महंगाई बर्दाश्त नहीं हो रही, कहाँ से हम लोग करें? हमारे तो घर बाहर नहीं चलते, ना बिजली का बिल चलता है, ना सुई गैस का बिल चलता है, किराए के मकान है ना किराया दे सकते हैं, तो कैसे हम अपनी ज़िंदगी बसर करें? आपको क्या लग रहा है, आप माशाल्लाह हमारे सीनियर सिटीज़न हैं, बहुत सारी हुकूमतें आपने देखी, हुकूमत जो काम कर रही है, जो कारकर्दगी है, महंगाई कम हो जाएगी? अगर तो वो मुल्क के लिए कर रहा है तो अल्लाह ताला उसको तरक्की दे और वो करे, मुल्क का कर्जा उतारे, मुल्क में खुशहाली लाए। अगर उससे नहीं हो सकता तो खुदा के लिए अलहदा हो जाए, किसी और को मौका दे, इतनी महंगाई हमारे बस की बात नहीं। आपके घर में कितने लोग हैं? मेरे घर में हम लोग 8 लोग हैं। और कितने कमाने वाले? हम सिर्फ 2 आदमी कमाने वाले हैं, बाकी सब खाने वाले। और किराए का घर, बिजली का बिल, गैस का बिल कैसे पूरा पड़ता है? खाना बनता है? हर दफ़ा हम लोगों को कर्ज ही लेना पड़ता है महंगाई के लिए। हमारे लिए हम लोग दाल या आलू खाते हैं, कभी हमें गोश्त का तसव्वुर भी नहीं करते, और गोश्त इतना महंगा है कि हम लवारी पहुँच से दूर। कितनी देर बाद बनता है गोश्त? कभी महीने बाद या कहीं से 15 दिन के बाद मिलता है। बस दाल आलू जो सस्ता हो वो पके, वो बस यही है, आलू सस्ता है या दाल वगैरह यही पकते हैं। नाज़रीन लोगों की गुफ्तगू आपने सुनी है जो कि महंगाई से परेशान है और चीज़ों की कीमतें कम होने का इंतजार कर रहे हैं। मजीद हम बात करते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन लोगों से बात करते हैं कि आम मार्केट में चीनी की क्या सूरत हाल है, मिल रही है या फिर नहीं मिल रही। अस्सलाम वालेकुम। सर चीनी मिल रही है आम बाज़ार में? आम बाज़ार में नहीं मिल रही। कौन से इलाके से आप? मैं इधर ये मजंग चुंगी से। अच्छा, और मजंग चुंगी की जो छोटी बड़ी दुकानें हैं, स्टोर्स हैं, चीनी है वहाँ पर? वहाँ पे 100 रुपए के 105 देते। कब पता किया आपने? आज ही पता किया, और फिर यहाँ से आया हूँ तो यहाँ भी सामान लो तो एक पैकेट 2 किलो के देते बस, और नहीं। तो आपने फिर स्टोर से ली है? हाँ यहाँ स्टोर से लिए, सामान लिए साथ और एक पैकेट दिया उन्होंने 2 किलो। बाजार में महंगी है। ठीक है जी, बाजार में महंगी चीनी मिल रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कहाँ से आए आप? मैं किला गुसैन। चीनी मिल रही है आपके गली मोहल्ले की जो दुकानें हैं वहाँ पर? उधर से नहीं मिल रही। पता किया आपने? नहीं आज तो नहीं मैंने किया, पहले से नहीं मिल रही थी। अच्छा पहले मिली नहीं रही या महंगी मिलती है? नहीं, मिलती नहीं है, जवाब दे देते कहते है ही नहीं। है ही नहीं? है ही नहीं। लेकिन गवर्नमेंट तो बता रही है कि 85 रुपए हर दुकान पे चीनी मिलेगी। अगर 85 रुपए हर दुकान से मिले तो कोई आए ही ना स्टोर पे। हाँ फिर आप स्टोर पे नहीं आएंगे? फिर नहीं आएंगे, फिर क्या लेने आना जब इतने रश में और चीजें भी साथ लेनी होती हैं।
तो कहते हैं और चीजें लो फिर देना है चीज। 85 रुपए आपकी रेंज है, आप खरीद सकते हैं? ज़ाहिरा खरीद सकते हैं, खानी जो है तो फिर खरीदनी है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप सस्ती चीनी बाजार में मिल रही है आपको? नहीं, 200 देता। अच्छा चलें जी, सस्ती चीनी बाजार में नहीं मिल रही, जिसकी वजह से लोग या सस्ते बाजार का रुख करते हैं या फिर यूटिलिटी स्टोर्स का रुख करते हैं। नाज़रीन, कुछ और ख़वातीन हैं, इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मुझे ये बताइए, कहाँ से आई आप? मैं शाहजमाल से। अच्छा, शाहजमाल में जो आपके आसपास गली मोहल्ले में दुकानें हैं वहाँ पे चीनी दस्तयाब है? बट नो, चीनी नहीं है। नहीं, मिलती है लेकिन बहुत कम मिलती है। और पता कि आप मिलती भी बहुत महंगी है। कितने में मिल रही है वहाँ पे? मेरे ख्याल में 200 से ऊपर ही है। इतनी महंगी? हाँ ऐसे ही है। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कौन से इलाके से? इछरे से। अच्छा, इछरा में जो आपके गली मोहल्ले की दुकानें हैं, जनरल स्टोर्स हैं, वहाँ से चीनी मिल रही है, आपने मंगवाई है? नहीं, हमें तो नहीं मिल रही। मिल ही नहीं रही? मिल ही नहीं रही। महंगी भी नहीं? महंगी तो दुकानों पे दे रहे हैं। अच्छा। लेकिन वैसे स्टोर्स पे कभी मिलती है, कभी बिल्कुल ही नहीं मिलती। अच्छा। महंगी मिल रही है। हाँ। कितनी महंगी, क्या रेट है? 88 या 86 मिल रही है। अच्छा। हाँ। सस्ते स्टोर से सस्ती मिल जाती है? हाँ, स्टोर से इतनी मिल जाती है। सस्ते स्टोर से तो जी कीमत कम में मिल जाती है, लेकिन मार्केट की हम सूरत हाल जानने की कोशिश कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे ये बताइए कि आप ग्रॉसरी वगैरह चीज़ें खरीदते रहते होंगे, मार्केट में आजकल चीनी मिल रही है? जी चीनी नहीं मिल रही, चीनी की किल्लत है बहुत ज़्यादा। अच्छा। जिसकी वजह से आम आदमी को बहुत परेशानी है। आपने कहाँ कहाँ पता किया दुकानों पर जो आपको नहीं मिली? बाज़ार में बहुत सी दुकानों पर तो चीनी है ही नहीं। रमज़ान बाज़ार जो लगे हैं मुख्तलिफ जगह पे, वहाँ पे चीनी की ये सूरत हाल है कि 1 किलो का पैकेट देते हैं और वो लंबी कतार में लग के और वो पोलियो वाले निशान लगा के और शिनाख्ती कार्ड नंबर लेके फिर 1 किलो का पैकेट देते हैं। आप कौन से रमज़ान बाज़ार में? मैं वादत कलोनी वाले रमज़ान बाज़ार में 2 दफ़ा गया हूँ, लेकिन बारी इसलिए नहीं आई कि वो 1-2 पैकेट दे के उसमें गैप डालते हैं 1.5-2 घंटे का, रुक जाती है लाइन, जाते हैं ताकि वो टाइम बॉट कर सके, और जब 5 बजते हैं वो शटर डाउन कर देते हैं कि अब चीनी का वक्त ख़त्म हो गया बस। तो फिर आप घर की कैसे ज़रूरत पूरी कर रहे हैं? मुख्तलिफ जगह से, अब जैसे मैंने डिसेंट स्टोर से लिए 85 रुपये किलो, तो आप शहर के कुछ बड़े स्टोर हैं जहाँ पे दस्तयाब है, लेकिन जो हमारे गरीब की दुकानें हैं वहाँ पे नहीं है। वहाँ पे कहीं भी नहीं है। चीनी की कीमत 85 रुपये गवर्नमेंट ने मुकर्रर कर रखी है। जी हाँ। मार्केट की सूरत हाल आप बता रहे हैं कि चीनी नहीं मिल रही। चीनी नहीं मिल रही। कितना रिलीफ है रमज़ानुल मुबारक में हमारे लोगों को? मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं है। मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं है। अब इसमें मिसमैनेजमेंट है या कुछ हो रही है मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन लोग परेशान हैं इस हवाले से। ठीक है जी, लोग परेशान हैं और रिलीफ को नाकाफी करार दिया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। अच्छा मुझे ये बताइए, कौन से इलाके से आप? हम धर्मपुरा से। धर्मपुरा में चीनी जो आपके गली मोहल्ले की दुकानें हैं, स्टोर्स हैं, मिल रही है वहाँ? नहीं मिल रही है ही नहीं। नहीं है, जब भी जाते हैं तो वो यही कहते हैं कि नहीं है। अच्छा, तो अभी लिए फिर स्टोरों में आना पड़ता है। अगर वहाँ दस्तयाब हो तो आप वहीं से ख़रीद लेंगे 85 रुपये? ज़ाहिर है ये चीनी घी के लिए आना पड़ता है, चीनी घी ज़्यादा इस्तेमाल होता है रोज़ों में। तो वैसे महंगाई, चीज़ों की कीमतें बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा है आम बंदे के लिए ना। जो है जो मज़दूर बंदा है वो तो कुछ कर ही सकता, अगर दिहाड़ी के पीछे जाएगा तो ये कहाँ से खाएगा? तो फिर अगर दिहाड़ी नहीं लगेगी, पैसे नहीं आएंगे तो चीज़ें कैसे खरीदेगा? कैसे खरीदेंगे, काम भी कुछ ऐसे जा रहे हैं, ये तो अल्लाह ताला ही करम कर रहा है कुछ। रमज़ानुल मुबारक में हमारे लोगों को रिलीफ मिल रहा है, कुछ सहूलत है? हाँ सहूलत तो है, ये स्टोर पे सहूलत है, ये नहीं कि नहीं है। लेकिन आपको सारे काम छोड़ के स्टोर पे आना पड़ेगा? सारी बात है, वो तो आना पड़ेगा फिर, काम छोड़ के ये आए हुए हैं, अब टाइम निकालना पड़ता है जिससे टाइम। आपने तो बच्चों को भी देखना है, सारी भी बनानी है, सारे काम करने हैं। बिल्कुल, ये अभी मुझे ड्यूटी से ले रहे हैं तो अब ये अपने यानी के काम से आए हुए हैं तो जाहिर है टाइम तो वेस्ट हो रही है, हो ही रहा है इनका, तो बस देख ले। बच्चे रमजानुल मुबारक में बहुत फरमाइशें करते हैं मजे मजे के खानों की, पूरी हो सकती है? मुश्किल तो है, बहुत मुश्किल है, लेकिन माँ बाप की तो कोशिश होती है ना कि हम अपने बच्चों की हर ख्वाहिश पूरी करें, खासकर रोज़ों में जब उन्होंने रोज़े रखे होते हैं, छोटे छोटे हैं तो
मुश्किल तो है। क्या हो गया? मैंने मेरी वो कह रहे हैं कि पहले आप शॉपिंग करें, 500-600 की शॉपिंग करें, उसके बाद चीनी लें। तो जब हमने कुछ लेना नहीं तो फिर हम क्यों लें? चीनी दी नहीं उन्होंने। आपको सिर्फ चीनी चाहिए? हाँ, चीनी चाहिए। मना कर दिया? हाँ, उन्होंने दी नहीं, हम वापस आ गए। आज फिर कैसे शरबत बनेगा, क्या होगा? वो तो अब है ना थोड़ी बहुत, तो चलो गुजारा हो जाता है, लेकिन ज़रूरत तो पड़ती है ना। रिलीफ है रमज़ानुल मुबारक में, हुकूमत जो रिलीफ के वादे कर रही है लोगों कुछ के नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसे बकवास, सब कुछ बकवास है। कोई रिलीफ नहीं है किसी जगह का, कोई रिलीफ नहीं। ठीक है जी, आपने लोगों की शिकायत भी सुनी है और आम मार्केट की सूरत हाल भी आपने जानी है कि जहाँ पर चीनी छोटी बड़ी दुकानों पर दस्तियाब नहीं है या फिर बहुत महंगी है। हाँ, शहर के कुछ बड़े बड़े स्टोर्स हैं जहाँ पर हमारे कोई कुछ एक ख़ास तबका जाता है, वहाँ पर चीनी दस्तियाब है, लेकिन जो हमारे गरीब की छोटी दुकानें हैं गली मोहल्लों में, वहाँ पर चीनी दस्तियाब नहीं है। वापस आते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मैं चाइना स्कीम में मौजूद हूँ। ये सस्ता रमज़ान बाज़ार आवाम की सहूलत के लिए लगाया गया है और स्पेशली यहाँ पर चिकन का स्टॉल भी है, जहाँ पर आम कॉमन मार्केट से जो भी चिकन की कीमत होती है उससे कम प्राइस में चिकन दस्तियाब होता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल सर आपके? ठीक। आज के चिकन का क्या रेट है? आज है 374 है, और इधर जो लगाया हुआ है ना 10 रुपए लेस लगाया हुआ है। तो हर रोज जो भी कीमत होगी 10 रुपए कम बेचेंगे आप? हाँ जी। चिकन की कीमतें हर रोज बढ़ रही हैं? ये ज्यादा हो रहा है, ये कम होगा तो आवाम खाएगी, चिकन का रेट ज्यादा होगा तो आवाम नहीं यहीं पे आएगी। अच्छा, कितने लोग खरीद रहे हैं, ज्यादा आ रहे हैं या कम आ रहे हैं? अब कल से तो कम है, तकरीबन हमने 5 मुर्गियां जिबा की है, सुबह से सेल ही नहीं हुई, तो रेट कम होगा तो कस्टमर आएगा ना। अच्छा, ज्यादातर लोग आते हैं, कितना खरीदते हैं यार? जितना भी, अगर मुझे 5 किलो चाहिए तो मैं ले सकती हूँ, मुझे मिल जाएगा 5 किलो? हाँ जी, वो मिलेगा, 5 किलो भी मिलेगा। तकरीबन उन्होंने कहा हुआ 2-2.5 किलो से ऊपर नहीं देना, लेकिन जो कस्टमर की डिमांड होती है 2-2.5 किलो ले लेते हैं। तो ठीक है जी, सस्ता चिकन है, लेकिन उसके साथ साथ एक स्पेसिफिक मिकदार फिक्स की गई है ताकि सब लोगों तक सस्ता गोश्त, 10 रुपए किलो सस्ता है जी मार्केट के निस्बत। यहाँ पर ये कुछ लोग हैं, इनसे हम बात करते हैं कि ये बाजार इनके लिए कितनी सहूलत है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल आपके? बस कुछ ना पूछे, बहुत बुरे हालात है। क्या हो गया? क्या महंगाई बहुत है? खाने को कुछ भी मिल ही नहीं रहा, इतनी महंगाई है कोई हिसाब ही नहीं। गरीब की तो गरीब तो मार ही रहा। बस कितने लोग हैं घर में, क्या करते हैं? कुछ भी नहीं, काम ही नहीं, फारिग है, घर बैठे रोजा मेरे मुंह में है। हाँ। जूड़ने में बोल। कैसे गुजारा हो रहा है, घर कैसे चलता है फिर? बस अल्लाह बरस। महंगाई तो हमेशा होती रही है, पहले भी होती थी, अब भी हो रही है? नहीं, अब ज्यादा। हाँ। अब बहुत ज्यादा है। पहले ठीक था चीजें? हाँ, पहले सही से। हाँ। अब बहुत ज्यादा। हमारे हुक्मरानों को क्या पैगाम देना चाहेंगी, क्या कहेंगी आप उनको? यही कि उनको कौन सा असर होता है? आप पैगाम दीजिए, असर भी होगा जरूर। उनको यही कहेंगे महंगाई कम करें, बिल कम करें, गरीब को जीने दे। इतने बिल भेजे हैं, काम करने को कुछ है नहीं है, मजदूरी है नहीं है, बिल इतने भेजे हैं कोई हिसाब ही नहीं है, तो गरीब कहाँ जाए? या फिर औरतों को नौकरियां दे दे, मर्दों को नौकरियां दे दे, रोटी तो सुकून से खा ले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक है। चीनी कितना इंतजार करके मिली, सबसे पहले हमें ये बताइए। नहीं कहना, कुछ लग गया है। 1 घंटा लाइन में लगी रही जी। कब से आई हुई है बाजार? हम 11-12 बजे थे। अब तो थक गई है, रेस्ट कर रही है। हाँ जी। बाकी चीजें कैसे खरीदेंगी? जैसे मिल जाए, लाइन में लग के मिलती हैं। अच्छा, हर जगह लाइन में लगना पड़ता है? नहीं, ज्यादा जगह पे नहीं लगना पड़ता, कम ही जगह पे लगना पड़ता। लेकिन पीने के लिए लाइन तो शर्त है। पीने के लिए तो लाइन मस्ट है। हफ्ते में कितने दिन आती हैं बाजार में? हफ्ते में हम लोग 2 बार आते हैं, ज्यादा नहीं आते।
इसलिए। अच्छा, और चीज़ों की महंगाई की क्या सूरत हाल है? रमजानुल मुबारक में अच्छे अच्छे खाने बन रहे हैं घर में? जी बन रहे हैं, आसानी से मैनेज होता है खर्चा? जी। क्या महंगा हुआ क्या सस्ता हुआ आपके ख्याल में? भाजी सब कुछ ही महंगा है, सब कुछ ही महंगा है। हाँ जी, आपको कौन सी चीज़ें लगती हैं कि ये चीज़ें तो बहुत महंगी हो गई हैं, इनको सस्ता होना चाहिए? और क्यों, यही बहुत ही इस्तेमाल होता है। चीनी तो सस्ती मिल गई ना अब्बा साहब? तो सस्ती मिलती है, दुकानों में तो महंगी है ना, दुकानों पे तो महंगी है ना। हाँ जी। और घी कितना महंगा हो गया, पहले कितने का था अब कितने का मिल रहा बताओ? पता नहीं, दूध आ कितने का था, कितना फर्क पड़ गया है, बजट कितना मुतासिर है आपका महंगाई की वजह से? ज्यादा ही है, मतलब के 30-40 रुपए ज्यादा हो गया उससे। ठीक है जी, पहले घी और चीनी इन्होंने बताया है कि ये दो ऐसी चीजें हैं जिन्हें सस्ता होना चाहिए, लेकिन अभी भी वो महंगी है। ये रमजान बाजार में जी सहूलत किराना स्टोर भी है, यहाँ पर चीज़ें सस्ती हैं, मुनासिब हैं। हमारे लोग इसके बारे में क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? जी शुक्र अल्लाह पाक। अच्छा, क्या क्या खरीद दिया आज? घिया बनेगा घर में? आज मैंने ये लिया। हाँ जी सब। अच्छा, घिया लिया और क्या लिया? लाल मिर्चें ली हैं थोड़ी सी बस। हाँ जी। कितने दिन चलेंगी? एक दिन। और कल फिर लेके आएंगी? हाँ जी। एक ही बार ज़्यादा क्यों नहीं ली? वो अभी के लिए बस इतनी सोच चाहिए थी, वैसे घर में पड़ी थी, मैंने कहा चलिए इसकी चेक करते हैं कि इनकी मिर्चें कैसी हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि महंगाई खवातीन बड़ा शिकवा कर रही हैं कि बहुत ज़्यादा हो गई है, आपको क्या लगता है ज़्यादा हुई है या ठीक जा रहे हैं हालात? नहीं, ये हालात तो बहुत ज़्यादा ख़राब जा रहे हैं, इतनी ज़्यादा महंगाई ने कर दी, लेकिन फिर भी ये इन्होंने जो थोड़ा सा रमजान बाज़ार में सस्ती की हैं उनका हमें थोड़ा सा फ़ायदा हुआ है तो सही है, बेहतर है, लेकिन बाज़ार से बहुत चीज़ें महंगी हैं। अच्छा, बाज़ार में क्या कुछ महंगा हो गया? सारी सी चीज़ें महंगी है, सब्ज़ी दालें लेने हैं आप, अगर आप कोई भी चीज़ ले सकते लेना, गोश्त भी हो गया, सब चीज़ें महंगी है, चीनी भी बहुत ज़्यादा महंगी है वह बाहर से। पहले आपका महीने में कितना खर्चा होता था, अब कितना हो जाता है, कितना बढ़ गया खर्चा? पहले तो काफ़ी ज़्यादा खर्चा था, लेकिन अब डबल तकरीबन हमारा खर्चा हो रहा है, डबल से बल्कि ट्रिपल जा रहा है। हम लोग इतने ज़्यादा परेशान हैं कि इस महंगाई में हम लोग क्या करें। अभी तो रमज़ान है तो चलो गुजारा हो रहा है, लेकिन जब रमज़ान ख़त्म होगा तो फिर हम लोग क्या करेंगे? तो यही आपका थोड़ा सा इनको महंगाई कम करनी चाहिए, क्योंकि आमदन बढ़ी है, कुछ कारोबार कुछ बेहतर हुए हैं के वहीं पे हैं, जो मजदूर लोग उनके सैलरी तो बढ़ाते नहीं हैं, लेकिन ये है कि सारी चीज़ें महंगी हो गई हैं, इनको चाहिए कि वो थोड़ा सा कम करें। ठीक है जी, हर चीज़ महंगी होती जा रही है। एक और खातून से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, क्या हाल है? ठीक। महंगाई की क्या सूरत हाल आप देख रही हैं? हमारी खवातीन के लिए कितना बड़ा चैलेंज है किचन चलाना? पता नहीं, मैंने पहली दफ़ी हूँ नहीं आई है। अच्छा, बाज़ार में क्या सूरत हाल है? चीज़ें सस्ती हैं? बाज़ार महंगी नहीं है सूफी। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, क्या हाल है आपका? ठीक है शुक्र अल्लाह। अच्छा, अभी क्या क्या खरीदेंगी बाज़ार में? देखने जेड़ कुछ चीज़ सस्ती मिलेगी। लेने क्या आए हैं, घर में किस किस चीज़ की ज़रूरत है? आटा चीनी बस। पहले भी आती हैं? पहली दफ़ा ही आई, आज तो पता लग गया से इतना सस्ता बाज़ार लग गया। हाँ जी, तो बाज़ार में चीज़ों की क्या सूरत हाल है, महंगी हैं सस्ती मिल रही हैं? बाहर तो महंगी हैं चीज़ा, बाहर तो महंगी हैं चीज़ा, ऐसे पैसे नहीं। कैसे कैसे चलता है घर का सिस्टम फिर? पता नहीं कैसे चलता है, बच्चे कह दे चीज़ लिया देने, पूछी दी नहीं कितने दी आइए, पूछ के दिल ही खर बुरा करना अपना। हाँ जी जी, चीज़ों की कीमतें जानेंगी तो ऑब्वियसली कह रही हैं जी दिल बुरा होगा। सर आप क्या बता रहे थे, बाज़ार की क्या सूरत हाल देखी आप? बाहर केला 100 रुपये दर्जन मिल रहा है और अंदर 125 रुपये। अच्छा, बाहर सस्ता, सस्ते बाज़ार में महंगा, अंदर अंदर भी यही मामला है कि कुछ चीज़ें महंगी हैं कुछ चीज़ें सस्ती हैं। बात ये अब देखना पड़ता है हमने क्या लेना है क्या नहीं लेना। तो अभी आप बाज़ार विजिट कर रहे हैं, क्या क्या बाहर महंगा है यहाँ से? बाहर का तो पता, बाहर से लेते रहते हैं, आज इधर देखने लगे हैं, इधर करेंगे देखेंगे क्या मसला मिलता सस्ता। हाँ। देखने वास्ते हैं कि तक ही मिलता सस्ता। वैसे क्या करते हैं आप? मैं मार्केट में काम करता हूँ। अच्छा, मार्केट में काम करते हैं, कोई तनख्वाह कोई आमदन कोई कारोबार बढ़ी है? अपना काम है लेकिन काम स्लो है। स्लो है काम, तो फिर घर कैसे चल रहा है? क्या चीज? घर कैसे चल रहा है फिर, काम स्लो है तो घर में खाना पीना तो चलेगा? गुजारा कर रहे हैं शुक्र अल्लाह पाक का बस। शादी नहीं ना वही माने तो रोटी देनी ही देनी है। अच्छा। हाँ जी, चलिए जी,
आप ये सुनिए कि बहुत सारे लोग पहली बार भी बाजार में आ रहे हैं कि सस्ता बाजार लगा है, लेकिन शिकवा कर रहे हैं कि यही चीज़ें बाजार में कुछ सस्ती भी मिल रही हैं, लेकिन सस्ते बाजार में कुछ चीज़ें उनको महंगी भी मिल रही हैं। नाज़रीन, ये गवर्नमेंट का स्टॉल है और महकमा ज़रात की जानिब से ये स्टॉल लगाया गया है। आलू मिलेंगे, प्याज मिलेंगे, लेकिन उसके साथ साथ आपको लाइन में लगना होगा। महंगाई की क्या सूरत हाल है, ओवरऑल हमारी ख़वातीन घर को कैसे मैनेज कर रही हैं, यहाँ पर लाइन में इंतज़ार करना और फिर घर के काम भी करना यकीनी तौर पर एक मुश्किल काम है। यहाँ पे कुछ ख़वातीन से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मैम, क्या हाल है आपके? शुक्र अल्लाह का। अच्छा, मुझे ये बताइए कि महंगाई, चीज़ें सस्ती हैं महंगी हैं, क्या सूरत हाल है? किचन आसानी से चल रहा है? जी अल्लाह का शुक्र। क्या सस्ता है? चीनी, आलू, प्याज सारा कुछ सस्ता दे रहे हैं सस्ते बाजार में जी। बाहर क्या सूरत हाल है? बाहर तो महंगा ही है, महंगा है। अच्छा, और कितना महंगा है? नहीं, 20 का फर्क होता है। अच्छा, सस्ते बाजार में कुछ चीज़ें जी इनको कम प्राइस में मिल रही हैं, लेकिन जो बाजार है वहाँ पर चीज़ें बता रहे हैं कि महंगी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है आपके? हाँ ठीक हूँ मैं। क्या क्या खरीद लिया? चीनी खरीदी, आलू खरीदे। अच्छा, हाँ जी। और अब थक गई है? बीमार है ना, ता करके। तो कहीं सोफे पे बैठ जाती हैं, चेयर पे बैठ जाती? नहीं, अब बच्ची लगी ही ना आलू लाने। अच्छा, लाइन में लगी हुई है। हाँ, और आप इंतजार कर रही? हाँ जी। ठीक है, चीनी मिल गई आसानी से? हाँ जी मिल गई। लाइन में कितना इंतजार किया? कहीं इंतजार करना पिया, 60 साल तो जेड़े ने ना उन्होंने मतलब बहा के फिर दिन दे। हाँ जी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि कितने बजे से आई हुई है सुबह बाजार? 10 बजे ना लाए सर। और अभी 1 बज गया, अभी तक बाजार में ही है? हाँ जी, वो लाना चुला के दिया ने तो फिर बार बार नहीं, बार बार नहीं ले आई, को वरी ले आई, को वरी बच... नहीं नहीं, चीनी के लिए लाइन में लगे, फिर आलू टमाटर के लिए लगे, बार बार एक से निकलो दूसरी लाइन में लग जाओ। हाँ जी। कितनी सहूलत है हमारे लोगों के लिए? सहूलत है, ये सस्ता ही है। बाजार में क्या सूरत हाल है, चीजें कुछ सस्ती हुई हैं? हाँ जी, बाजार नहीं हुई है, जरा लगा है ना रमजान बाजार, इतो सस्तियाँ ने। अच्छा। हाँ जी। और बाजार में क्या हाल है? बाजार से तो फिर महंगा ही सारा कुछ है। अच्छा। हाँ जी। कितने लोग हैं आपके घर में, क्या करते हैं? कुछ आमदन बढ़ी है, महंगाई ज्यादा होगी? कोई नहीं, कारोबार ही कोई नहीं है, बचे वे ही ने। अच्छा। हाँ जी। तो फिर वैसे वास्ते तो सौदा लैन आए हैं। हाँ, बच्चे ने माशाल्लाह, 5 बेटे ने, कारोबार कोई नहीं, 3 छोटे ने, 2 बड़े ने। तो जब कारोबार नहीं होता तो फिर घर कैसे चलता? राती थोड़े जले आए सी ना पैसे, तो मैं कहा चल थोड़ा थोड़ा ना लै आनी है जाके। गोश्त कितनी बार बनता है घर में, चिकन का या कोई भी गोश्त? महीने में, हफ्ते में कितनी बार पका लेती? बस एको बारी एतवार वाले दिन ही बस पकाई दा, वही 200 दा लैके, महंगा इना 400 दा ते मिलदा पिया। बहुत महंगा है जी गोश्त, और ख़वातीन सस्ते बाज़ार में आई हैं ताकि जी इनको सस्ती कुछ चीज़ें मिल जाएं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? ठीक है। महंगाई के क्या हाल देख रही हैं? महंगाई का तो बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। हाँ, तो आई हूँ मैं, तो कभी आई नहीं, आज पहली मरतबा। आपके अंकल चले गए, वो नहीं पसंद करते लेना में चीज़ लेना, मैं तो बहुत मुश्किल से आई हूँ, और मैंने कहा चलो प्याज ले जाती हूँ, आलू मेहमान आने थे, तो अब बारी नहीं आ रही, मैं कभी कहती चली जाओ, कभी कहती खड़ी हो जाती, इनको कह रही हूँ आप ठहरो मेरी बारी दे देना, मैं अभी ठहर के आ जाऊँगी, वो कोई सुन ही नहीं रहा, इतनी मुश्किल है हमें तो। अच्छा, लेकिन ख़वातीन को लाइनों में लगना पड़ेगा क्योंकि घर का सिस्टम तो मैनेज करना है, खर्चा तो मैनेज करना है, तो फिर लगी तो ही हूँ लाइनों पे ला के ले तो रहे हैं। कौन सी चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि बाज़ार में बहुत महंगी हो गई हैं, इनको सस्ता? कुछ ही महंगा है, गोश्त वगैरह और कुछ चीज़ें, सब कुछ ही महंगा है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में सूरत हाल हमने आपको दिखाई है कि ओपन मार्केट में चीज़ों की कीमतें ज़्यादा हैं, लोग सस्ते बाजार का रुख करते हैं, लेकिन यहाँ पर आकर उनको लाइनों की तकलीफ बर्दाश्त करना पड़ती है। और आज के प्रोग्राम के अख्ताम पे मैं बस यही कहना चाहूँगी कि गवर्नमेंट के लिए अभी तक महंगाई को कंट्रोल करना यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और हमारी आवाम सिर्फ दाल, चीनी, आटा, बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी सस्ता होने की डिमांड कर रही है। मुझे आपने इजाज़त देनी है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।